नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में बनेंगे दो दो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कितने लाख से सुधरेगी खेती की नई व्यवस्था। IIM काशीपुर में 140 युवाओं को स्टार्टअप में दी जाएगी ट्रेनिंग। देखिए कैसे खोलेंगे उद्योगपति उनकी किस्मत का ताला। चारधाम में बनाया जाएगा एक और टू लेन मार्ग। शासन ने देखिए किस रास्ते का भेजा है प्रस्ताव। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान में युवाओं को नौकरी का मौका। देखिए 107 पदों पर कौन कर सकता है युवा आवेदन। प्रदेश में माउंटेन ट्रेन बाइक योजना पर मिलेगा 33% सब्सिडी वाला ऋण। जानिए योजना की पूरी प्रक्रिया। अब खबरें विस्तार से। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विकास के संबंध में हाल ही में किए गए प्रयासों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। कृषि अवसंरचनाओं के विकास में 1,00,000 करोड़ का ये पैकेज एक बड़ा कदम साबित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए राज्यों को एक सेमिनार का आयोजन करना चाहिए जिसमें कृषि अवसंरचनाओं के विकास एवं संभावनाओं पर चर्चा की जाए। एक सर्वेक्षण कराकर कृषि क्षेत्र में गैप्स ढूंढकर उनके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी FPO। 31 मार्च 2021 तक इसके लिए सभी राज्यों की अपनी योजनाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में दो दो FPO बनाए जाने हेतु दिए गए लक्ष्य को वह समय से पूरा कर लेंगे। इसमें प्रत्येक फार्मर प्रोड्यूसर संगठन को 15-15 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। उन्होंने पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से नीति बनाए जाने का सुझाव भी दिया है। CM ने कहा कि उत्तराखंड में बेमौसमी फल सब्जियों की अपार संभावनाएं हैं। इनके उत्पादन में फोकस करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की अत्यधिक संभावनाएं हैं जिसके जरिए किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर, IIM काशीपुर में स्टार्टअप के प्रशिक्षण की। युवाओं को रोजगार में मदद के लिए IIM काशीपुर दृष्टि साहस और सक्षम स्टार्टअप प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है। इसके लिए IIM काशीपुर ने 140 युवाओं का चयन किया है जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में 3 माह का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24 अगस्त से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। बुधवार को IIM संस्थान के निदेशक कुलभूषण बलूनी के निर्देश में इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। संस्थान के पास विभिन्न क्षेत्रों से 1,000 युवाओं के आवेदन पहुंचे थे। इनमें से संस्थान ने 140 युवाओं का चयन किया है। इसमें 90 युवाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 50 युवाओं को कृषि के क्षेत्र में 3 माह का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद युवाओं की इन क्षेत्रों में निवेशकों से मिलाया जाएगा। IIM फीड के CEO शिवानंद दास ने बताया कि इससे पूर्व भी साहस और क्षमता स्टार्टअप चलाए गए थे। इनमें से 30 के लिए कृषि मंत्रालय से फंडिंग भी उपलब्ध हुई है। प्रबंध निदेशक प्रोफेसर सफल बत्रा ने बताया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को बल दिया है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, वन अनुसंधान संस्थान में नौकरी की। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के उत्तराखंड में 107 अशुल्पिक MTS तकनीकी सहायक पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं BSc कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटेशन लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी हो सकते हैं। आवेदन के पदों की संख्या 107 है जबकि पदनाम पुस्तकालय सूचना सहायक 1, तकनीकी सहायक 62, अशुलिपिक 4, मल्टीटास्किंग स्टाफ 40। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/8/2020 है जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/9/2020 है। नौकरी में केवल 18 से 30 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही
आवेदन कर सकते हैं, जबकि इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया भी अब जान लीजिए। इसके सिलेक्शन के लिए सरकारी नौकरी में लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर, चार धाम जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की। प्रदेश में चारों धामों को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्गों का कायाकल्प करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इस कड़ी में त्यूनी, चक्राता चंबा, टिहरी और मलेथा हाईवे डबल लेन होगा। केंद्रीय सड़क राज्य मार्ग पर परिवहन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार से राजमार्ग की डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी कि सरकार मार्ग पर डबल लेन बनाने की धनराशि देगी। सचिव लोक निर्माण विभाग आर के सुधांशु के मुताबिक विभाग को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में ट्यूनी चक्राता मलेथा मार्ग सिंगल लेन है। मार्ग के हालात पर कुछ संस्थानों पर ठीक दिशा नहीं है। शारदा मार्ग में व्यवधान होने के कारण उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मलेथा में बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ता है तो टिहरी में उत्तरकाशी मार्ग से। इस तरह चारों धामों से जुड़ने वाला ये मार्ग राजमार्ग चौड़ीकरण के साथ मसूरी में अंडर टनल का भी निर्माण प्रस्तावित है। अगली महत्वपूर्ण खबर, माउंटेन ट्रेन बाइकिंग योजना पर लोन की है। पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने बेरोजगारों को राहत दी है। पर्यटन विभाग माउंटेन ट्रेन बाइकिंग योजना पर लोन दे रहा है। 33% अनुदान दिया जा रहा है। एक बेरोजगार 5 से 10 ट्रेन बाइक खरीद सकता है। बैंकों से उसे ऋण मुहैया कराया जाएगा। साहसिक माउंटेनियर के लिए यह योजना सफल साबित हो सकती है। सरकार ने पर्यटन विभाग को माउंटेन ट्रेन बाइकिंग बेरोजगारों को मुहैया कराने की योजना बनाई है। इस योजना में एक बेरोजगार ने आवेदन भी कर दिया है। इस योजना में जहां पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ ही स्थानीय बेरोजगारों की भी आर्थिकी में सुधार होगा। माउंटेन ट्रेन बाइकिंग के शौकीन पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। 33% तक अनुदान बेरोजगार आवेदक को मिल सकेगा। बागेश्वर जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि जिले में 15 लोगों को माउंटेन ट्रेन बाइकिंग उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पर्यटन विभाग ऋण उपलब्ध कराएगा। उन्होंने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है, जिसका आवेदन उनको मानकों पर खड़ा उतरना चाहिए। पर्यटन विभाग में माउंटेन ट्रेन बाइकिंग के लिए आवेदन करना होगा। अधिकतम 10 और न्यूनतम 5 बाइकिंग के लिए ये आवेदन किया जा सकेगा। माउंटेन ट्रेन बाइकिंग की कीमत 50,000 से लेकर 1.5 लाख और 2.5 लाख तक है। पर्यटन विभाग 10 लाख से अधिक ऋण मुहैया करा देगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।